अरे राम कली, तू ये अंडे बैंडे से मुंह बनाया क्या? ऐसी लगे जैसे बत्तख, ये सारी की सारी बत्तख यही आया लगे मेरी बिछड़ी हुई बाण मिल गई हमें। पप्पू के बच्चे, तुमसे पूछा मैंने, अब फनी शक्ल देखी नहीं आईने में, पैंगन से मुंह वाला पप्पू। शाहरुख खान लगता हूँ? और लगता क्या हूँ, मैं दिखू कहीं पर उसके जैसा? और दूसरी बात, जब मैं सड़कों पर निकलता हूँ ना वॉक करते हुए, तो लोग मुझे कहते हैं ऋतिक रोशन जैसा हॉट लड़का जा रहा है, समझी? हाँ हाँ, पूरा बॉलीवुड जिन्होंने अपने भीतर में दे रखे हो। नीचे ना करके कुछ भी नहीं, मैं क्या कह रही थी, हम के करण आई भाभी, हां कपड़े वाले ने लाई हूं बुला के, तन्ना साड़ी खरीदनी है तो खरीद लिए, मैं क्या करूंगी? हां किसी के देने लेने के काम आ जाएगी, देख ले। हां देखने में के जावे, मैं क्या करूंगी साड़ियां लेके, वैसे भी मेरे टाइप की तो होगी नहीं। हां साड़ी तो वैसे मैं ले लेती, सही कह रही थी भाभी, ननंद वगैरह को देने के काम आ जाती, ले लेनी चाहिए थी मुझे। 100-200 रुपए की अगर मिल जाए तो ले लूंगी, सासू माता का बोल दूंगी, 1000 रुपए की साड़ी लिया, हाय स्वीटी, मीट गुडना, हाय स्वीटी। बात तो ठीक कह रहे हो, चलो बुला ही लो। के हो गया, 2 मिनट में तेरा टेस्ट बदल लिया, इब दिखन लागी तेरे टेस्ट की साड़ी। हाँ आजर भाई साड़ी वाले, दिमाग देर से चल रहा है इसका। क्या कहा आपने? तन्ना के लागा, तन्ने आवा मन मन में बोलना, चल कोई बात ना, तू साड़ियाँ देख ले, मन्ना तो टाइम लगेगा साड़ियाँ छंटन में 2-3 घंटे का। अड़ दर ले, अड़ बैठ जा। साड़ी तो अच्छी है, हरी वाली का रेट बताना कितने की है? ये 1000 रुपए की है। 1000 रुपए? इतनी महंगी साड़ी? हाय राम, इतनी महंगी साड़ी कोई देता है? जयपुर का माल है। 1000 रुपए की साड़ी, इतनी महंगी? अजी हाँ जी, इतनी महंगी साड़ी भैया? 1000 रुपए में तो मैं 10-10 साड़ियाँ ले लूँ। अजी 10 वाली महंगी लगा रहे हो। अजी जयपुर का माल है। नवेली दुल्हन को 1000 रुपए की साड़ी भी महंगी लग रही है? आप इंस्पेक्टर हो, कोई जज हो जो आपको हर बात का जवाब दूंगे? चल रे राकेश, इसका मूड ना सा साड़ी लेन का, जब मैं तन्ना फोन करूंगी फिर आइए तू। ठीक सब अभी जैसा तुमको। अरे अरे भैया क्या कर रहे हो, अभी तो मैं साड़ी देख रही हूँ। जब भाभी ने मना कर दिया तो कैसे दिखाऊं मैं? क्यों, ये तुम्हारी भाभी की दुकान है? हाँ? नहीं नहीं, पिछले 3 साल से भाभी मुझसे साड़ी यार ले रही है, अब माननी तो पड़ेगी उसी की। 3 साल? 3 साल सुनते सुनते मैं तो पक गई, कान पाक लिए मेरे तो। 3 साल? इब्बे के, इब्बे तो इनमें रात भी पड़ेगी। क्या कहा आपने? कुछ ना, चल देख ले साड़ी, पप्पू की लुगाई से तू, इसलिए माफ कर दी, ना तो इस पूरे मोहल्ले में कोई ऐसा मर्द ना जो केलवती के आगे बोल जा। देख ले इब, इब के एफिडेविट पर लिख के दू तन्ने। भैया जी मुझे अच्छी सी ना और महंगी वाली साड़ी दिखा दो जल्दी से। ठीक ठीक लगा लो भैया। चलो जी 150 रुपए कम दे दियो। 150? तो ऐसे कर रहे जैसे पता नहीं कितने कम कर लियो। मैं तो इसके सिर्फ 300 रुपए दूंगी, लेने हैं तो ले, वरना रास्ता नाप लो। अजी नहीं जी, 300 वाली या 250 वाली है। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं ये तो रहने दो, ना ना ना, वो वाली। इसका 2000 रुपए? हाय राम, आप तो ना खाल उतारने को रहे हो, बहुत महंगी साड़ियाँ बेचते हो आप तो। अहे देखण में तो 2000 की साड़ी पहनने वाली लग गए, तो 200 की बिना निकली। महंगाई का जमाना है तो क्या लूट खाओगे? तू फिर फालतू बोलन लाग रही से। कुछ भी तो नहीं भाई राकेश, इसने 200 वाली बढ़िया सी साड़ी काट के दिखा दे इसके लेबल की।
ठीक है जी, ये 3,000 की और ये 4,000 की। दो पैक कर दो ये। अच्छा ये बता दो कितना बिल हुआ? मेरा 7,000 हो गया जी। हाँ 7,000 रुपए? अजी हाँ। कोई डॉन कहाँ से लाऊंगी मैं इतने सारे पैसे? के बात सबिट्टी जी, तेरे दौरा ना से पीसे तो मैं दे दूँ, मेरे बाद में लौटा दिए। जी नहीं नहीं, मेरे पास पैसे हैं और वैसे भी पप्पू जी भी घर पे ही हैं। अच्छा भैया रुक जाओ, मैं पैसे लेके आती हूँ। हे भगवान, एक घंटे में 7,000 का चूना लगवा दिया इस भाभी की बच्ची ने। अब तो देनी पड़ेगी 7,000 रुपए। लो भैया ये आपके 7,000 रुपए। अब साड़ियाँ दे दो मुझे। बना दिया आज तो पागल हमने इसका। जमा श्याणी बनती कहीं की मॉडल आई मार के। भाभी यू आर ग्रेट। के ग्रेट परेट ला रखी है, चल ये मेरा कमीशन काट। भाभी यह बात थारी गलत है। के बात गलत है? जितनी साड़ी तू एक महीने में बेचता इतनी मैंने एक घंटे में बिकवा दी, चल कमीशन काट। भाभी यू ले अपना कमीशन। ये के देन लाग रहा तू मन्ने? बावली मान रहा के इस गली में आना बंद करवा दूंगी तेरा, 1,000 रुपये और दे काट के। ना भाभी तू तो वसूली वालों की टीम में शामिल हो जा। पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। अरे ओ मेरी प्यारी केड़ा, आज ये रुपये कड़े ते ले आई? मेरा कुर्ते में तो नहीं काट ले आई? तन्ने तो सारे रुपये अपने ही लग गए के भूखे नंगे फिर रहे से। मने पैसे पैसे नहीं, गांव वाली औरतें भी अपनी लग गए से। के बड़बड़ करन लाग रहा है तू? मैं कुछ नहीं कह रहा, मेरी तो अंदर आत्मा तो आवाज आ रही है कि ये पीछे मेरे हैं। मेरे सही है, तेरे मुंह का अड्डे बने। चलो मान लिया ये पीछे तेरे हैं, फिर न्यू बता तू किसे दूसरे के घर गोसे पैत के कमाए हैं कि ये पीछे? हाँ? मैं कहते न सकल से झाड़ू पोछे वाली लाग घुसू। और तू तो कलेक्टर लाग रही है, दसवीं फैल। घड़ी बकवाद मत ना करे, मैं दसवीं फैल को ना। हाँ चल मान लिया तू दसवीं फैल को नी, दसवीं पास तो है, फिर मुना न्यू तो बता दे दसवीं में फैल कहबे होई। दसवीं फैल करे कितनी बार मैं करी हो तन्ने के मतलब, करी तो है ना मन्ने। ओहो दसवीं पास कर रखी है, न्यो कवे है जनो इंजीनियरिंग पास कर रखी है इसने, दसवीं पास हूँ मैं तो। तू खुद तो ढंग से बोलना सीख ले, आया बड्डा मार का कड़ी का इंजीनियर। के कह रही है तू? ओहो हो खुद तो अंगूठा छाप से और मन्ने नाम धरन लाग रहा से। मैं तने 100 रुपए की बात बताऊं, ये 1,500 रुपये मेरे हैं, ले दे दे मैंने। ये पीसे तेरे ना से, ये पीसे मेरे से मेरे। बस मान गया ये पीसे तेरे हैं, मने बस एक बात का जवाब दे दे, ये पीसे तेरे दो रहे आए कड़े थे। ये मेरे पीसे से या मन्ने साड़ी वाले तक कमाए मेरी मेहनत के पीसे से ये। साड़ी वाले पे लिए? अच्छा दूसरे ने तो बेवकूफ एक मिनट में मना देते हूँ। अच्छा वो साड़ी बेचने वाला इव साड़ी का गल्ला रुपये भी देने लग गया के? मन्ने उसकी साड़ी बिकवाई से जहाँ तक पैसे मिले। अच्छा तने इव साड़ी बेचने का धंधा भी चालू कर दिया क्या? मैं चाहे कुछ भी करूँ तन्ने इस बात से के मतबल। ये तो मेरे से मेरा खोए चली, ये खोए चली, ये खोए चली, ये खोए चली। तुम के मजे ले लग रहे हो, लाइक करो शेयर करो कमेंट करो। हाय हाय मैं भी कर दूं के? हाँ जरूर। ओए होए मैं भी करूंगा लाइक लाइक, थाम जरूर कर दियो।
मुझे लहंगे वाली साइड दिखा दो। दोबारा चलो। हाँ इसी का। मैं चाहे कुछ भी करूँ तो बहुत हुआ गलत है। अच्छा मैंने बोलना ठीक है जी। अरे पैसे नी मने तो दूसरे की घराली भी अपनी अलग है। गलत नहीं बोलिया।